नमस्कार, शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता 9वीच्या वर्गाची हिंदी विषयाची प्रथम सत्र परीक्षेची चालू वर्षाची प्रश्नपत्रिका पाहत आहोत. ही प्रश्नपत्रिका 80 गुणांची आणि यासाठी आपल्याला 3 तासाचा वेळ हा दिला जाईल. बघा, प्रश्न पहिला 8 गुणांचा आहे. एक परिच्छेद या ठिकाणी दिलेला आहे आणि त्यावर आधारित आपल्याला सर्व कृती सोडवायच्या आहेत. बघा, मी या ठिकाणी आपल्याला उत्तरं पण दिलेली आहेत. डॉक्टर भटनागर के बारे में उनकी पत्नी का अनुमान, ओहे मरीज की हालत गंभीर होना, और दूसरा सीधे अस्पताल चले आना. हैरानी बनने का कारण है मरीजों का डॉक्टर के घर पर पूछताछ करना. शाम को की गई कारवाई, उसका आंसर है पुलिस स्टेशन को सूचित करना. या पद्धतीने आपण तिन्ही कृती पूर्ण करायच्या आहेत. त्यानंतर दुसरी कृती बघा, घटनाक्रम आपल्याला पूर्ण करायचा आहे. 4 वाक्य दिलेले आहेत आणि त्याच्यातला अचूक असं घटनाक्रम या परिच्छेदनुसार आपल्याला घ्यायचं आहे. आधी काय घडलं ते त्यानंतर बघा. आता पहिले ही घटना घडली, उन्होंने मित्रों तथा अन्य संबंधियों को फोन किया. दूसरी घटना है डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब होना पुलिस के लिए हैरानी का कारण बन गया. तीसरी घटना है चारों ओर खोज शुरू हो गई. आणि चौथी घटना है उन्हें लेने कोई गाड़ी आ गई. या पद्धति ने पूर्ण कराए. पुढ़ बघा, 1 शब्द लिहायचा आहे, जिसे चिकित्सा करने का अधिकार प्राप्त हो डॉक्टर. दूसरा, जहाँ चिकित्सा करवाने के लिए मरीज भर्ती होते है अस्पताल. त्यानंतर वचन बदलायचं आहे, गाडी गाडी या, पहिया पहिये. त्यानंतर परिवार के किसी व्यक्ति का अचानक गुम होने का कारण आपको यहाँ पर लिखना है इस परिच्छेद के आधार पर. अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के जीवन के 2 महत्वपूर्ण घटक, चित्तौडगढ आणि चेतक घोडा, हे 2 महत्वपूर्ण घटक आहे. अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के 2 महान गुण, साहसी स्वाभिमानी. आगे, चित्तौड की रक्षा के लिए त्याग, जंगल में शरण लेना पड़ा, बच्चों और परिवार को भूखा रखने की नौबत. महाराणा प्रताप के स्वामानी भक्त सहयोगी भामा शाह, चित्तौड़ की एक महान भक्त कवयित्री मीराबाई, देशभक्त की भावना आवश्यक. त्यानंतर पुढची कृती आहे 12 अंकासाठी पद्य विभागावर आधारित, पद्यांश में आए शरीर के अंग, छाती गोदी घुटना माथा. पुढचं, कवी किताबे यह रखते है सीने पर गोदी में घुटनों पर माथे से लगाकर. त्यानंतर पुस्तकों में कभी कभी ये मिला करते थे, सूखे हुए फूल और रुके. दूसरा, जिनके द्वार संबंध जुड़ जाते थे, किताबें गिराना और किताबें उठाना. पुढचं, उर्दू शब्दों के अर्थ लिखने, इल्म त्याचा अर्थ आहे ज्ञान आणि आईंदा का भविष्य में. या पद्धतीने हा प्रश्न आपण पूर्ण करायचा आहे. पुढची कृती आहे कविता दिलेली आणि त्यावर आधारित या 4 मुद्द्यांच्या आधारे आपल्याला उत्तरं लिहायची आहेत. रचनाकार का नाम, पसंत की पंक्तियाँ, याच्यातलीच 1 ओळ लिहून टाकायची आहे. रचना का विधी लिखिए, पंक्तियाँ होने का कारण. त्यानंतर पुढचा प्रश्न पूरक पठणवर आधारित, 1 परिच्छेद दिलेला आहे आणि त्यावर आधारित आपल्याला उत्तरं लिहायची आहेत. कबीर की विशेषता आहे, पकडाना स्वभाव, मस्ती, तेज आणि वाणी. या पद्धतीने आपण हा प्रश्न सॉल्व करायचा आहे. त्यानंतर कबीर का पकडाना स्वभाव,
या पॅरेग्राफच्या आधारे आपण ते सहज लिहू शकता 2 मार्कासाठी. पुढचं आहे कृती 3. पठित पद्यांश पडकर सूचनाओकेअनुसार कृती या केजे 4 गुणांसाठी. तारे का आना आणे जाणे का ढंग, रात के समय भोर होणे पर चमकते हुए तारे के रूप में आना और भोर के प्रकाश में लुप्त हो जाना, हे 4 कारणे आहेत. त्यानंतर लोटा होता है ऐसा, मन का भारी और तन का छोटा. पुढचं ढोलक की उपयोगिता. ढोलक एक भारतीय वाद्य है. यह गावों तथा शहरों दोनों स्थानों पर रहने वाले लाखों लोगों का परिचित तथा उनके बीच लोकप्रिय है. इस प्रकार ढोलक एक उपयोगी वाद्य है. त्यानंतर व्याकरण घटकावर आधारित प्रश्न, वाक्य में प्रयोग. महत्व, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है. चरित्र, मनुष्य को अपने चरित्र निर्माण की बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए. दूसरा भेद पहचाने, पावन विशेषण. अवयव का प्रयोग, बहुत, वह आदमी बहुत धीरे काम करता है. अवयव पहचान कर उसका भेद पहचाने, बिल्कुल. वाक्यों का काल बदल कर लिखिए, रमेश बाजार जाता है. सामान्य वर्तमान काल किया है. इसका पूर्ण भूतकाल, वे सारे रिश्ते उधड़े थे. त्यानंतर वाक्य भेद, मैं सुबह उठकर बगीचे में जाता हूँ, हे वाक्य और व्यायाम करता हूँ संयुक्त वाक्य है. दूसरा किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, विधानार्थक वाक्य. या पद्धतीने आपण हा प्रश्न पूर्ण करायचा आहे. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न बघा. मुहावर का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग. नामो निशान मिटना, अस्तित्व समाप्त होना. बाढ़ के कारण कई गावों का नामो निशान मिट गया. पुढचे वाक्य शुद्ध करके लिखिए. मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग कुछ सबक लेंगे. या पद्धतीने ये 2 शब्द बदलायचे आणि हे वाक्य जसंच्या तसं लिहायचे. उसने तुमको आके दहा, उसने तुमको आके डाटा. त्यानंतर क्रिया छाटकर लिखिए. लड़केने अपना काम पूरा कर दिया, काम करवाना. वेदांत कबड्डी खेल रही है, खेल खेलना. पुढचं सहायक क्रिया छाटकर लिखिए. खाना खाने के बाद वह सो गया, त्याचा आहे गया जाना, सो जाना. उसने अपना काम पूरा कर लिया, लियाच्या ऐवजी लेना लिहायचे. उसने अपना काम पूरा कर लेना. पुढचं द्वितीय प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक आणि द्वितीय प्रेरणार्थक आपल्याला लिहायचं आहे. कटना कटवाना, चलना चलवाना. शब्दयुग्म का वाक्य में प्रयोग कीजिए. भोला भाला, रमेश एक भोला भाला लड़का है. घर घर, महात्मा गांधी का नाम घर घर जाना जाता है. या पद्धतीने हा व्याकरणाचा प्रश्न आपण पूर्ण करायचा आहे. आता रचना विभागावर आधारित बघा प्रश्न. पत्र लेखन या ठिकाणी नरेंद्र पाटील आवास में पेयजल की समस्या के बारे में पत्र लिखता है. उसका नमूना आप मराठी हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उसमें देखिए, आपको ये पत्र मिल जाएगा. उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. दूसरा गद्य आकलन, 5 प्रश्न तैयार करने इस पैराग्राफ के आधार पर. आसान सा सवाल है. अंकल यह किसका बर्थडे है, ये एक प्रश्न है. इस टाइप के 5 प्रश्न आपको तैयार करने हैं. इसका आंसर इस पैराग्राफ में 1-2 शब्द में आने चाहिए. अगला प्रश्न,
निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखनी है। एक लालची आदमी की एक कहानी है, उससे को क्या सीख मिली, ये कहानी शुरू से अंत तक आपको पूरी करनी है 5 अंकों के लिए। अगला प्रश्न, विज्ञापन तैयार करने, जाहिरात तैयार करनी है इस 5 वर्ड के आधार पर, 4 अंकों के लिए है। अगला प्रश्न, निबंध लेखन करना है 7 अंकों के लिए, मेरा गांव यदि मोबाइल न होता, हिंदुस्तान का किसान। अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 9वीची हिंदी विषयाची प्रथम सत्र परीक्षेची प्रश्नपत्रिका आपण चालू वर्षाची सोडवलेली। ही प्रश्नपत्रिका नक्कीच आपल्याला उपयोगी ठरणारी। यासारख्या इतर विषयांच्याही प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि चॅनलची डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली प्लेलिस्ट अवश्य ओपन करा। थँक्यू।